एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे। आपको टाइम मिलेगा टोटल 2 घंटे का। ईच क्वेश्चन होगा 1 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग होंगी 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। सबसे पहले देखते हैं हम कैटेगरी, उसके बाद में देखेंगे मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। सबसे पहले है कैटेगरी यूआर, जिसकी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स थे 35, ओबीसी की थी 34, एससी की थी 33 और एसटी की थी 33। तो ये थी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट जीके सिलेबस। जीके का सिलेबस इस प्रकार है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, स्टेटिक जीके और इकोनॉमिक्स। ये जीके का सिलेबस है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हुए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, इसलिए आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये था आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट जीके का सिलेबस। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जर्मन रजत किसका एक मिश्र धातु है? तो कॉपर, जिंक और निकेल का। जर्मन रजत कॉपर, जिंक और निकेल का एक मिश्र धातु है। किस समुद्र में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो मृत सागर में। मृत सागर समुद्र में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है। कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध के बीच मूलभूत अंतर को दर्शाता है? तो देवताओं और देवी की पूजा। देवताओं और देवी की पूजा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो सर विलियम जोन्स द्वारा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। किस एंग्लो मैसूर युद्ध में तथा किस वर्ष टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? तो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में 1799 वर्ष टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील अरोड़ा को। सुनील अरोड़ा को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रोल्ड अमुंडसेन। रोल्ड अमुंडसेन दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। किस तारीख को अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया था। अमेरिका ने 2 शहरों पर एटम बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ये दोनों जापान के शहर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान तथा किसके बीच 1792 में श्रीरंगपट्ट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो लॉर्ड कार्नवालिस। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्ट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। वर्ष 2018 की विश्व सुंदरी के रूप में किसे चुना गया है? तो वेनेसा पोंस डी लियोन को। वेनेसा पोंस डी लियोन को 2018 की विश्व सुंदरी के रूप में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार है। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। लिपा अश्रंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। लिपा अश्रंग वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसलिंग खेल के मैदान का विशेष नाम क्या है? तो एरिना। रेसलिंग खेल के मैदान का विशेष नाम एरिना है। अंग्रेजी कविता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जियोफ्री चौसर को। जियोफ्री चौसर को अंग्रेजी कविता के पिता के रूप में जाना जाता है। द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक दीवा
पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिल्पा शेट्टी। द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक दीवा, पुस्तक की लेखिका शिल्पा शेट्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी और इस प्रकार इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री TN श्रीनिवासन की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो चेन्नई में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री TN श्रीनिवासन की मृत्यु चेन्नई शहर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो नीला। सार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। पित्तरस एक थैली में संग्रहित होता है जिसका नाम क्या है? तो पितासे। पित्तरस पितासे में संग्रहित होता है। किस देश में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। प्लासी की लड़ाई मुख्य रूप से किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 23 जून 1757 को। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को रॉबर्ट कलाई और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो हरियाणा में। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन हरियाणा राज्य में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपचयन। लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को अपचयन प्रक्रिया कहते हैं। किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? तो हेबर लैंडिट ने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोसोल कैन का आविष्कार किसने किया था? तो एरिक रोथिम ने एरोसोल कैन का आविष्कार किया था। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये था हमारा आज का IB सिक्योरिटी असिस्टेंट GK का वीडियो नंबर 1। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले IB सिक्योरिटी असिस्टेंट GK के वीडियो नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।